Hello students, today we will start with exercise 8.5. In this exercise we will learn how to add the decimal numbers. The addition of decimal numbers is just like the simple addition we have done. Like आपने यहाँ पे सिर्फ decimals का ध्यान रखना है कि decimal कहाँ पे आएगा. Like this is 0.007. तो हम जो है add करते समय 0.007 लिख गया. उसके बाद हमारे पास ये 3 decimal number है, तो हम decimal के नीचे सबसे पहले क्या करेंगे, decimal लगा दिया. अब हम next number कैसे लिखेंगे. This is 8.5, तो point है आपका 8 है, तो 8 आपका इधर आएगा और 5 आपका इधर आएगा. तो दिस इज 8.5. अब नाउ दिस इज 30 पॉइंट. पॉइंट की जगह पॉइंट अपना फिक्स है, तो ये 30 आपका कहाँ पे आएगा, 30 ऐसे आएगा, 30.08. अब आप देखो कि आपकी जब हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है, तो इसमें आपकी ये स्पेस और यहाँ ये स्पेस, ये खाली रह गई है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में जीरो पुट कर देंगे. जीरो हमने यहाँ पे पुट कर दे. तो हमने इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में किया. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपने डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है. अगर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं रखोगे तो आपकी एडिशन गलत हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट आपने कि लास्ट में जितने भी डिजिट अगर आपके ब्लैंक बच गए हैं, तो वो आप उनकी जगह क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे. तो उसके बाद हमने इसे सिंपल एडिशन की तरह कर लेना है. लाइक 7 + 0 + 0 = 7, 0 + 0 + 8 = 8, 0 + 5 + 0 = 5. अब ये 8 आ गया इधर से एंड ये 3 आ गया. तो दिस इज योर आंसर, 38.587. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, अब हमारा यहाँ 15 है. अब ये डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, बट यहाँ पे डेसिमल नंबर है ही नहीं है, तो ये होल नंबर है. तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्योंकि यहाँ डेसिमल है नहीं है बट बाकी के डेसिमल नंबर है, तो इसमें हम डेसिमल क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे. तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 15.0. तो आपने 15.0 लिख दिया है, और उसके बाद आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल रखा, तो ये 0.632 है, तो आपने 0.632. अभी 13.8 है, पॉइंट की जगह पॉइंट है आपका 13.8. अब आपकी अगेन ये जो प्लेसेस खाली रह गई हैं, यहाँ आपके 0 0 फिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज 8.3 में भी किया था कि हम यहाँ पे लाइक डेसिमल्स बनाते हैं कंपेयर करने के लिए. तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स बन गए, मतलब सबके साथ आपके 3 डिजिट हैं डेसिमल नंबर्स में. तो 0 0 लगा के हम कर लेते हैं. अब आप इसे सिंपल ऐड की तरह, एडिशन की तरह कर लीजिए. तो ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 6 14, 1 कैरी, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 और 1 6 और 3 9, तो ये आपका 29 पॉइंट ये आ जाएगा. तो सेम वे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो. दीज ऑल आर सेम. जैसे यहाँ पे भी आपका ये 2 था, होल नंबर था, तो हमने यहाँ क्या किया, 2.0 कर दिया. तो बाकी के प्लेसेस जो हैं हम फिल कर देंगे 0 लगा के. सेम वे आपका यहाँ भी है कि यहाँ भी हम आपका 0 लगा के फिल कर सकते हैं. सेम वे इस क्वेश्चन में है आपका, इसमें 3 डिजिट है बट इसमें 2 है, तो हम लास्ट में 0 लगा के ये फिल कर देंगे. बट आपने सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि स्पेंट रुपीज़ 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड गेव रुपीज़ दिस मच टू साइंस फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट. तो टोटल अमाउंट स्पेंट है, तो आपने सिंपल प्लस कर देना है, मैथ बुक के लिए इतना, साइंस के लिए इतना, तो आपका प्लस करके टोटल अमाउंट स्पेंट आ गया. नाउ राधिकाज मदर गेव हर रुपीज़ दिस एंड हर फादर गेव हर रुपीज़ दिस. तो मम्मा ने इतने पैसे दिए, पापा ने इतने पैसे दिए, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन. तो आपने टोटल अमाउंट गिवन निकालना है, तो सिंपली यू कैन डू दिस बाय एडिंग. तो आपने ये क्या करना है, राधिकाज मदर गेव हर मनी, फादर ने इतनी दिया, टोटल मनी इतना है. नाउ नसरीन बॉट दिस मच क्लोथ. अब आपका ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ये मिक्स नंबर है. 8.4 में हमने लर्न किया था कि आपका डेसिमल में कैसे करना है हमने कन्वर्ट,
तो 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में करने के लिए 3.20 आ जाएगा। तो इसको हमने लास्ट कैसे किया था कि इसको 3 मीटर 20 सेंटीमीटर था तो हमने क्या किया था 320/100, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका 3.20 मीटर आ गया। जैसे ही आपने डिवाइड किया मीटर में, ये चेंज हो गया था तो आपका सेम आ गया 3.20। तो सेम आपने नेक्स्ट में कि जितना उसने उसके लिए ख़रीदा है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को अगेन आप डिवाइड करोगे 2/5/100। तो आपका ये 2 से पहले डेसिमल लगाना है क्योंकि 5/100 है, तो 100 की जगह आपने ये लगा दिया, 0 आपका 10th की जगह आ गया, तो 2.05, तो आपका ये आ गया। तो सिंपल टोटल क्लोथ कितना बोट किया, शर्ट के लिए इतना किया, ट्राउज़र के लिए इतना, तो टोटल क्लोथ बोट विल बी 3.20 + 2.05 मीन्स 5.25 मीटर। नाउ नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक कर रहे हैं तो कितना टोटल वॉक किया, अगेन हमें प्लस करके पता लगेगा, बट उससे पहले हम दोनों यूनिट्स को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो आपका पहला क्या है 2/35 आपका, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000। तो आपका क्या आ जाएगा 2.035, क्योंकि 5000 है, 300 है, 0 एक खाली है क्योंकि आपकी इसके साथ कोई भी नहीं है, तो ये आपका 2.035 आ गया। और क्योंकि आपका नेक्स्ट क्या है 1/7/1000, क्योंकि 7 मीटर है तो 7/1000 हो गया, तो ये आपका 7000 है, तो 10th और 100th की जगह आपका 00 आ गया, यानी या सीधा कह लो कि 30 है तो 3 से पहले डेसिमल आ गया 1, 2, 3, तो आपका ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो सेम आई हैव डन हियर, डायरेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम 8.4 में ये लर्न कर चुके हैं हाउ टू कन्वर्ट देम। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल टोटल हमारा प्लस करके आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस एंड दिस मच बाय कार एंड दिस मच बाय ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। तो स्कूल में जाने के लिए उसे इतना ट्रैवल करना पड़ा, हाउ फार इज़ हर स्कूल फ्रॉम द रेजिडेंस, तो घर से उसका कितना दूर है, तो 15 किलोमीटर 268 मीटर, तो अगेन 268 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15.268 आ जाएगा। और दूसरा है 7 किलोमीटर 7 मीटर, तो अगेन 7 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 0.007 आ जाएगा। और क्योंकि ये सिर्फ 500 मीटर है तो 500 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये अगेन किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमने इन तीनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन ऐड देम, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस कितना है, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन प्लस करते समय ये ध्यान रखना है कि आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा आपका। नाउ रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस शुगर एंड या आपको फ्लोर है, तो फाइंड द टोटल वेट। अगेन टोटल वेट आप इन सबको प्लस करके निकालोगे, बट बिफोर डूइंग द प्लस हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स को। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये जितने भी आपको ग्राम दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ, इनको तीनों को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 400 को जब डिवाइड करोगे तो आपका 5.400 kg बन गया। 20 को जब आप 1000 से करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा, और 850 को जब करोगे तो ये आ जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल वेट ऑफ परचेज कितना है 18.270 किलोग्राम। थैंक यू।